कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इलाहीबाग वार्ड के पार्षद मोहम्मद अख्तर की देखरेख में नगर निगम द्वारा पूरे वार्ड में सैनिटाइज कराया गया, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। इस संबंध में इलाहीबाग के पार्षद मोहम्मद अख्तर ने वार्ड वासियों से अपील किया कि घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें तथा सरकार के आदेशों का पालन करें, बाहरी लोगों से न मिलें, इसी से महामारी से बचा जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इलाहीबाग के पार्षद मोहम्मद अख्तर ने कहा, मैं पार्षद मोहम्मद अख्तर, इलाहीबाग, गोरखपुर। मेरा प्रयास ये है कि जो हमको नगर निगम के द्वारा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जो भी संसाधन उपलब्ध कराएंगे, मेरा पूरा प्रयास है कि पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाए, जिससे महामारी कोरोना से बचा जा सके। मैं इस संदेश देना चाहता हूँ वार्ड की जनता को कि सिर्फ इसी के सहारे मत रहें, नगर निगम के सहारे, और लोगों से दूरियाँ बनाए रखें, अजनबी आदमी से ज़्यादा ना मिलें, डिस्टेंस बनाएं, अपने घरों में रहें। यही सबसे बड़ा, इस कोरोना वायरस की सबसे बड़ी दवा यही है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इलाहीबाग के तमाम लोग इस महामारी से बचने के लिए इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना घूमें, अपने बच्चों को भी बचाएँ, अपने भी बचें। मेरा यही एक प्रयास है कि जितना भी वार्ड है, अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई भी नागरिक कोई हमको सूचना देता है तो हम वहाँ पहुँच के यही कोशिश करेंगे वहाँ पे सैनिटाइज करके इस महामारी से पूरे वार्ड को बचाएं और महानगर को बचाएं, सबको बचाएं, समाज के सभी लोगों को बचाएं। सभी लोगों की जिम्मेदारी भी यही बनती है कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो अगर महामारी फैलेगी तो इसका नुकसान सभी लोगों को उठाना पड़ेगा, ना कि एक लोगों को। ये जब तक पूरा वार्ड नहीं हो जाएगा, मेरा यही प्रयास रहेगा। फिर सेकंड राउंड भी किया, अगर हमारे तरफ से स्वास्थ्य अधिकारी से प्रयास किया जा रहा है कि सेकंड राउंड भी किया जाए कि स्थिति जो गोरखपुर में पहला मृत्यु हुआ है, इससे थोड़ा सा लोगों के अंदर एक भय का माहौल है। इस भय को दूर करने के लिए इस समस्या का समाधान यही एकमात्र उपाय है कि लोग डिस्टेंस बनाएँ। डिस्टेंस ही सबसे बड़ी इसका समाधान है।